हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आएगा आपको पसंद, तो ऐसे में एक छोटा सा लाइक तो जरूर करेंगे। हो सके तो कर दीजिए लाइक इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं आपको आएगा वीडियो पूरा पूरा पसंद। आज की वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैं बताने वाला हूँ ऐसी कुछ चीज़ें जो शायद आपको पता नहीं था, जिसके वजह से आपका फ़ोन दिखता है बहुत ही पुराना, बहुत ही गंदे तरीके का लगता है आपकी फ़ोन जब एक साल डेढ़ साल हो जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी फ़ोन एकदम नई जैसी रहेगी। साथ ही साथ मैं बात करने वाला हूँ जो गोरिल्ला ग्लास वगैरह होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी कितनी होती है इसके बारे में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि उनके फ़ोन में अगर ड्रैगन टेल ग्लास है या फिर गोरिल्ला ग्लास है तो वो अनब्रेकेबल है, उस पर स्क्रैच नहीं आ सकता। अगर स्क्रैच आता है तो कैसे आता है और किस किस वजह से आता है, ये सभी चीज़ें पूरी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जितने भी आपकी कन्फ्यूजन है वो सारे मैं यहाँ पे दूर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको सब सब समझ में आ जाएगा कि फ़ोन में कैसे कैसे स्क्रैचेस आते हैं और ग्लास कितने ड्यूरेबल होते हैं। तो बात कर लेते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। तो लाइक करना वीडियो को बिल्कुल ही ना भूलिए। अगर किसी को पता नहीं है तो उन तक वीडियो को शेयर करके ये नॉलेज उनको भी पहुँचा दीजिए। तो चलिए समय की बर्बादी ना करते हुए वीडियो की ओर सीधा आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब कीजिए टेच इशू को, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए हमारी टेक रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे आपकी जो स्मार्टफोन है उसकी जो ग्लासेस हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो ऐसे में गोरिल्ला ग्लास 3, गोरिल्ला ग्लास 5, ऐसे बहुत से गोरिल्ला ग्लासेस जो हो, लेटेस्ट जो है गोरिल्ला ग्लास 6 भी आ चुका है। तो ऐसे में क्या ये चीज़ें अगर आपकी फ़ोन में हो, मतलब गोरिल्ला ग्लास हो, गोरिल्ला ग्लास 5 या फिर 6, तो क्या ऐसे में आपका फ़ोन नहीं टूटेगा। और आपको अगर पता नहीं है कि आपकी फ़ोन की जो टच स्क्रीन है वो कौन सी ग्लास है, गोरिल्ला या फिर ड्रैगन टेल, या फिर बहुत सी एक बहुत बड़ा डिबेट है जो कि है ड्रैगन टेल ग्लास गोरिल्ला ग्लास से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, तो ये चीज़ें है क्या। सबसे पहले आपको समझना होगा आपकी फ़ोन की जो टच स्क्रीन है वो कैसे बनते हैं। ठीक है, आपकी जो फ़ोन की टच स्क्रीन है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कांच से ही बना हुआ है। उसकी जो वो जो ग्लास है आपका, उसके बीच पतला प्लास्टिक का जो कि है लेयर भी है जो उस मतलब ग्लास को बनाता है और भी ज़्यादा पावरफुल। ताकि आपने कई बार देखा होगा अगर आपकी फ़ोन पे कोई क्रैक आता है तो पूरी फ़ोन में नहीं फैलता, कुछ ही जगह में फैलता है, ऐसे चिथड़ जाता है। ठीक है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसके बीच की जो प्लास्टिक है वो जो मॉलिक्यूल्स है प्लास्टिक का वो ग्लास के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसे में ग्लास को पूरी तरीके से नहीं टूटने देता, जितना टूटा है उतने तक ही उसको रखता है। और ऐसे में जो ग्लासेस हैं वो निकल नहीं जाता है प्लास्टिक, और जो ग्लास है वो जो इतनी अच्छी तरीके से उनको मतलब मिलाया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, तो इस वजह से भी नहीं निकलते। तो ऐसे में जितना ज़्यादा ग्लास होगा, मतलब जितना ज़्यादा उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाना है उतना ज़्यादा उस ग्लास की लेयर को करना पड़ेगा प्लास्टिक और ग्लास को मिला के। तो ऐसे में एक परफेक्ट और बहुत ज़्यादा मजबूती वाला ग्लास आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका फ़ोन नहीं टूटेगा। आपका फ़ोन ज़रूर टूटेगा, और ज़्यादातर फ़ोन जो टूटता है वो कैसे होता है, मान लीजिए आपका फ़ोन अगर गिरा तो आपने देखा कई बार बहुत ज़्यादा ऊंची जगह से आपका फ़ोन गिर जाता है फिर भी नहीं टूटता, और एकदम छोटी सी जगह पर गिरता है जब बेड वगैरह पर कहीं पर लेटे हो तो वहाँ से फ़ोन गिर जाता है तो टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है, ग्लास के कुछ जगह होता है जो बहुत ही वीक होता है, उन जगह पर हल्की भी प्रेशर पड़ जाए तो वो टूट सकता है। जैसा सबसे उसका वीक पॉइंट होता है जो ग्लास की कॉर्नर्स होते हैं वो जगह सबसे ज़्यादा नाजुक होता है, क्योंकि वहाँ पे जो है प्लास्टिक की लेयर ख़त्म हो रही है, ग्लास की भी लेयर ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया गया तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका ग्लास टूट जाए। नुकीली चीज़ें जैसे कि कोई पत्थर आपने उठा लिया जिसकी जो बहुत ही ज़्यादा नुकीला है, अगर वो आपकी ग्लास पे आके लगता है तो वो टूट जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्लास की एक डेंसिटी है जो पूरी ग्लास को ऐसे जोड़ के रखा है, तो ऐसे में अगर कोई बड़ी चीज़ लगता है तो पूरा एक ग्लास का बड़ा जगह लेता है, उस जगह पर हीट करता है तो उसकी जो फोर्स है ऐसे फैल जाता है। लेकिन जब कोई नुकीली चीज़ आपकी ग्लास पे लगता है तो उसकी जो प्रेशर है एक ही जगह पे लगता है, तो ऐसे में अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो क्या होगा, इस जगह को सिर्फ डैमेज करेगा, और ये प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि इसको फैला सके, तो ऐसे में ये जगह ज़रूर टूटेगा। और जैसे ये जगह टूटेगा आसपास की जो फोर्सेज हैं उनकी वजह से साइड की ग्लास भी चकनाचूर हो जाएगा। तो ऐसे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी फ़ोन में गोरिल्ला ग्लास 3 हो, 5 हो, 6 हो, वो टूटेगा ही टूटेगा। बात कर लेते हैं ड्रैगन टेल ग्लास की, ये भी कुछ अलग नहीं है, ऐसा ही है। लेकिन ड्रैगन टेल ग्लास जो है वो ज़्यादातर फ़ोनों में अभी यूज़ नहीं किया जाता है, गोरिल्ला ग्लास ही यूज़ किया जाता है। ऐसा इसलिए कि ड्रैगन टेल जो ग्लास है उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की लेयर्स यूज़ किया जाता है।
जैसे अगर आप कोई गोरिल्ला ग्लास या फिर ड्रैगन टेल ग्लास की फ़ोन पकड़े हुए हैं, तो ड्रैगन टेल ग्लास जिस फ़ोन में होगा वो थोड़ा सा उसकी जो डिस्प्ले क्लैरिटी है वो आपको थोड़ा सा गंदा तरीके का लग सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रैगन टेल ग्लास जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है गोरिल्ला ग्लास के मुकाबले। तो ऐसे में दोनों चीज़ें सेम ही हैं, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर। तो ऐसा मत सोचिए कि आपका फ़ोन टूट नहीं सकता। बात कर लेते हैं आपकी फ़ोन पुराना क्यों दिखता है। ये कोई रॉकेट साइंस या फिर ऐसी बात नहीं कि आपको पता नहीं है। जितना दिन या समय गुजरता जाता है फ़ोन की कलर जो है वो धीरे धीरे स्क्रैचेस वगैरह के लिए उठ जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप स्क्रीन गार्ड की तरफ सोचिए भी मत, ठीक है। आप प्लास्टिक का जो रैपर्स होते हैं 5-10 रुपये वाला जो मार्केट में मिलता है, सिर्फ वो लगा लीजिए। फ़ोन का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हाथ से गिर विर ना जाए, ठीक है। तो ऐसे में ये चीज़ों को ख्याल रखिए, जिस पॉकेट में आप की वगैरह रखते हैं उस पॉकेट में फ़ोन को ना रखें। और सबसे बड़ी बात, एक बैक केस ज़रूर यूज़ कीजिए, लेकिन चार्जिंग के वक्त उसको हटा दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये खतरा बन जाता है आपके लिए। फ़ोन ब्लास्ट होने के बहुत से चांसेस बन जाते हैं इसकी वजह से। और सबसे बड़ी बात, हफ्ते में एक बार अपने फ़ोन को पूरी तरीके से क्लीन कीजिए। ऐसा भी नहीं कि पानी में एकदम डुबो के उसको रगड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको बस इतना ही करना है, आपकी ग्लास पे जितने भी कचरा वगैरह जमा हुआ है उसको क्लीन कर दीजिए। एक कोई भी नरम सा कपड़ा ले लीजिए, तूला ले लीजिए, ठीक है। और उसको जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, उससे भी आप क्लीन कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। और आपकी फ़ोन में अगर बैक पे ग्लास बॉडी है तो उस पर भी एक कवर चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है बैक पे भी स्क्रैचेस आ जाते हैं। बात कर लेते हैं रियलमी की यूज़र के लिए, उनकी जो बैक है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है क्योंकि उन पर बहुत से स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो ऐसे में आप बैक कवर को हटाइए मत बिल्कुल ही। फ़ोन को जब चार्ज पे बैठा है तो स्विच ऑफ करके बैठा है रात के वक्त पे, तो ऐसे में आपको बहुत ही अच्छा तरीके से चार्जिंग तो हो ही जाएगा, ज़रूरत भी आपको जब मिलेगा तब चार्जिंग भी मिल जाएगा। और बैक कवर को नहीं हटाया तो इसका मतलब ये नहीं कि स्क्रैचेस नहीं आएगा। जो कैमरे के साइड्स होते हैं वहाँ पे धूल मिट्टी जम के बहुत गंदे तरीके का एक राउंड बना देगा जो दिखने में बहुत ही खटकेगा। तो ऐसे में कॉलिंग वगैरह से आप उसको साफ़ कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन है फ़ोन को साफ़ करने के बाद थोड़ा सा ऑयल लीजिए और उसको फ़ोन की बैक साइड में जितनी भी एरियाज़ हैं जो कवर के अंदर रहेगा उनमें अच्छी तरीके से लगा दीजिए। इससे होगा क्या, इससे होगा कचरा वगैरह जो भी आएगा वो ऑयल के ऊपर आएगा, और जब आप ऑयल को साफ़ करेंगे पूरा कचरा साफ़ हो जाएगा, फ़ोन एकदम चमकता दमकता आपको दिखेगा। जो YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं स्क्रीन पे स्क्रैचेस आ जाते हैं उसके ऊपर कोलगेट लगा दीजिए और फिर साफ़ कर दीजिए एक सूखा कपड़े से। ऐसा बिल्कुल करने की गलती ना करें, हो सकता है कोलगेट वगैरह जो है वो आपकी स्पीकर ग्रिल्स में चला जाए और आपकी माइक्रोफोन सेकेंडरी जो माइक्रोफोन है वो नीचे की तरफ हो तो वहाँ पर भी चला जाए, तो आपको दिक्कत हो सकती है कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह करने के टाइम में। तो ऐसे ना करना ही बेहतर है मैं समझता हूँ। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है वहीं कि स्क्रैचेस से पूरी तरीके से कैसे बचा जा सकता है। देखो भाई, स्क्रैचेस से आप बचा सकते हो चाबियों से, ठीक है, सभी तरीके की चीज़ों से आप स्क्रैच होने से बचा लोगे, लेकिन धूल जो होता है उससे स्क्रैच होगा ही होगा क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसे में वो स्क्रैच करने के मामले में सबसे पहला होता है, सबसे आगे होता है। कोई भी ग्लास धूल से पड़ी हुई स्क्रैच को नहीं मिटा सकता। ऐसा भी नहीं है कि धूल से जो स्क्रैचेस आते हैं उनको आप हटा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिए, इतना कोशिश कीजिए कि धूल मिट्टी वगैरह से आपकी फ़ोन थोड़ा सा दूर ही रहे तो सबसे बेहतर है। बात कर लेता हूँ सबसे आखिरी पॉइंट के बारे में, जिसके बारे में मैंने आप सबसे कहा था कि जो ग्लासेस हैं स्क्रीन की उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं। तो आपको इसके लिए समझना होगा एक स्केल को। सबसे पहले स्केल में जो होता है मतलब ग्लास पे जो डैमेज आते हैं उनको एक स्केल दिया गया है 1 से 10 तक। तो गोरिल्ला ग्लास 6 जो है वो आप समझ सकते हैं स्केल के मामले में कुछ हद तक जो 6 या फिर 7 तक उसको रोक सकता है। 6 और 7 तक ही आ जाता है चाबी वगैरह जो नाखून वगैरह है उन सभी के स्क्रैचेस आ जाते हैं। लेकिन धूल, इससे पहले एक बात बता देता हूँ, अगर एक ग्लास है जो स्केल 10 का है, ठीक है, तो ये करना तो अभी की साइंस में पॉसिबल नहीं है स्मार्टफोन के लिए, लेकिन मान लेते हैं अगर 10 क्लास का कोई जो ग्लास है वो निकल गया तो ऐसे में आपका फ़ोन पूरी तरीके से स्क्रैच प्रूफ है, इसमें आपको दिक्कत वाली बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा ग्लास जबकि नहीं है, लेवल 6 या फिर 5 तक ही ग्लासेस हैं, तो लेवल 5 और 6 तक जो चीज़ें आते हैं उनमें से मैंने तो बोल दिया नाखून और कुछ नुकीली चीज़ें, तो ऐसे में अगर किसी की डेंसिटी उस ग्लास की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, चाहे वो धूल हो नाखून हो कुछ भी हो, तो डैमेज पहुंचा सकता है आपके फ़ोन को। तो ऐसे में इन चीज़ों का ख्याल रखिए, ऐसा मत सोचिए गोरिल्ला ग्लास है स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाया तो ऐसे में नहीं होगा। तो प्लीज़ दोस्तों दिखाओ अपना प्यार, थोड़ा सा लाइक कर दो वीडियो को प्लीज़, मुझे चाहिए आप सभी का सपोर्ट, ढेर सारा प्यार। तो ऐसे में अगर आप करते हो मुझसे प्यार तो प्लीज़ 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 वीडियो को शेयर कर दो यार,
मुझे भी थोड़ा सा ग्रो करना है, तो इसमें आप ही मदद कर सकते हो मुझे। अगर वीडियो को आप देख रहे हो तो पूरा देखो प्लीज़। मैं जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा बनाता हूँ। मैं मानता हूँ मेरा सेटअप बहुत अच्छा नहीं है, मेरे बैकग्राउंड में नॉइजेज हैं, लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हो तो आपको समझ में आता है कि मैं जो चीज़ें बोलता हूँ वो जेन्युइन बोलता हूँ, फेक चीज़ आप तक नहीं पहुँचाता। तो ऐसे में प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी कर दो। बस इतना ही बोलना था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। फिर से एक बार मिलूंगा एक और नई फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।